पथरिया में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में कुछ बालिकाओं के आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में रोज नए नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। कल इस मामले को लेकर अधिवक्ता मनीष नगाज के साथ अन्य लोग एसपी ऑफिस शिकायत करने पहुंचे थे। वहीं कलेक्टर महोदय द्वारा इस मामले में जांच के आदेश दिए कर दिए थे। इधर छात्रावास की कुछ छात्राओं के गायब होने की आज शिकायत मिलने पर पथरिया थाने में FIR कराने के निर्देश दिए गए थे। वहीं इस मामले को लेकर अब कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने भी जो जांच कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, आइए सुनते हैं। बच्चों का आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें SDM ने टीम बना के जांच कराई है पथरिया में, और जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसमें कार्रवाई है तो जिला शिक्षा अधिकारी एवं SP महोदय को दंडनीय कार्रवाई के लिए लिख दिया गया। थाना पथरिया क्षेत्र अंतर्गत एक हॉस्टल का मैटर है जिसमें कलेक्टर साहब द्वारा जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी के जांच उपरांत जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामला कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास की नाबालिग बच्चियों के वीडियो वायरल किए जाने को लेकर के है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में उषा करकरे जो कि फिलहाल बाड़न की पोस्ट पर हैं, उनके द्वारा बालिका छात्रावास जो कि आवासीय विद्यालय है अपने पति के साथ निवास किया जा रहा है। विगत फरवरी के दिनों में एक रसोईया उनके द्वारा एक वीडियो बनाया गया जिसमें नाबालिग बच्चियों को अर्धनग्न अवस्था में दिखाया गया है। उस तरह का वीडियो रसोईया और वार्डन के माध्यम से वायरल किया गया है। क्योंकि ये मामला नाबालिग बच्चियों से अश्लीलता अस्वस्थता से संबंधित है, इस चीज़ को लेकर के आज SP महोदय के समक्ष उन छात्राओं के अभिभावक आए थे। छात्राओं को हम उनकी आइडेंटिटी छुपाने के उद्देश्य से नहीं लाए थे ताकि उनकी आइडेंटिटी जाहिर नहीं हो। इन तमाम सारी आवेदन में इनफैक्ट को लिखने के बाद में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। मामला सामने आने के बाद दूसरे पक्ष ने भी कुछ आरोप लगाए हैं तो देखिए, अमूमन होता यह है कि जब व्यवहारिक तौर पे किसी व्यक्ति पर कोई खास विशिष्ट तरह के आरोप होते हैं तो अपने बचाव में किसी तरह के गबन के पैसे के लेन देन के तमाम सारे तरह के डिफेंस तैयार करता है। इस मामले में भी ठीक वैसा ही है। क्योंकि ये मामला नाबालिग बच्चियों से अशिष्टता और उनके वीडियो वायरल किए जाने को लेकर के जुड़ा है, इसके चलते दूसरा पक्ष अपने आप को बचाव की मुद्रा में लाते हुए अनर्गल आरोप लगा रहा है।